सब्सक्राइब करें एनी टाइम पहल मंत्रा यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो हम लोग बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स लाए हैं और आज ज़्यादा स्टूडेंट्स का, छात्रों का डिमांड था पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आज हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 जो पीरियोडिक टेबल में आपका होता है आवर्त सारणी में, वही आपको पढ़ना है ट्वेल्थ में। तो देखिए, पूरे ये पी ब्लॉक जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। अब देखिए, वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी, बीआई बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। पोलोनियम आपको नहीं पढ़ना है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है ये, तो इसे हम लोग ग्रुप 16 में नहीं पढ़ेंगे। और ये सब आपको पता है ना कि जो वर्टिकल होता है, जो ऐसे लाइन जाता है उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, और जो ऐसे लाइन जाता है, ऐसे लाइन जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ग्रुप 17 जो होता है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एस्टेटिन है अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। ग्रुप 18, ग्रुप 18 में क्या है, ये नोबल गैस होता है, इसे हम लोग नोबल गैस कहते हैं। और इसमें क्या है, हीलियम, नियोन, अगरकर, मतलब आर्गन, जीरो रन पर आउट। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ याद करने का, हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन पर आउट। हरभजन हीलियम हो गया, नेहरा नियोन हो गया, अगरकर आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडन हो गया। ऐसे ही इसका क्या है ट्रिक है याद करने का, फिरकल बाहर आई अंटी। क्या है ट्रिक? फिरकल बाहर आई अंटी। इसका क्या ट्रिक है? ओ सनम सिगार टीपो। क्या है? ओ सनम सिगार टीपो। इसका क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी। क्या है ग्रुप 15 का याद करने का ट्रिक? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी। ये देखिए, मैं जितना भी लेक्चर आपको बता रहा हूँ ये हिंदी मीडियम के छात्रों और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, दोनों को बेनिफिट होगा। मैं बाइलैंग्वल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। अब देखिए, जो आपको मेन इसमें पढ़ना है पी ब्लॉक में, पहला है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में आप लोग क्या पढ़िएगा? तो एटॉमिक साइज में होता है कि अगर आप ऊपर से अगर नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हो तो साइज जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और इंग्लिश मीडियम वाले इसे कैसे याद करेंगे? डाउन द ग्रुप साइज विल डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो बढ़ता है ना, तो साइज विल इंक्रीजेज हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे अगर आप आ रहे हो तो साइज आपका बढ़ता है। ये एटॉमिक साइज का रिलेशन है। तो देखिए, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट जो है ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोरीन है और इसमें नियोन था ना इससे पहले वाला में जो बताया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपने कहा कि डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाते समय तत्व का, एलिमेंट्स का साइज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
लेकिन अगर आप इधर से इधर जाते हो तो साइज घट जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपका साइज बढ़ जाता है, लेकिन पीरियड में अगर आप लेफ्ट से बाएं से दाहिनी ओर जाते हो तो साइज घट जाता है। इस पे हमेशा, ये पॉइंट पे हमेशा एक एमसीक्यू आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हमेशा एक क्वेश्चन इस पॉइंट पे बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। तो देखिए, 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप 18 का जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो इसमें क्या होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिनी ओर जाने में साइज घटता है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज ज्यादा हो जाना चाहिए ऑक्सीजन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन से, और ये है एक्सेप्शन। क्या है? ये एक अपवाद है। ऐसे ही फ्लोरीन नियोन में होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन नियोन का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। तो देखिए, s का मैक्सिमम कितना भरता है? s का मैक्सिमम 2 भरता है, p का मैक्सिमम 6, d का मैक्सिमम 10, f का मैक्सिमम 14। कितना है एफ का मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन को एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स में आप भर सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में एस पी डी ही है, तो पी का ये हाफ है। तो स्टेबिलिटी देखिए, सबसे ज़्यादा होता है पूरा भरा हुआ का, फुली फिल्ड का, उसके बाद आधा भरा हुआ का, हाफ फिल्ड का, उसके बाद अदर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आते हैं। तो ये क्या है? 3 है। ये क्या है? 4 है। तो ये हाफ फील्ड है ना, तो फुल फील्ड तो यहाँ है नहीं, तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है उसमें ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जबकि आपका लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये नॉन स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में, और ये स्टेबल है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक आप भरिएगा 2s का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, और p में 3 होता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और, 4 हो गया, आगे इलेक्ट्रॉन है तो और भरता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 आप भर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, पेयर्ड हो गया ना, डबलिंग हो गया ना, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जब माइनस माइनस आएगा तो ये दूरी बनाएगा ना, और जब दूरी बनाएगा तो ये साइज बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे साइज बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। और यही फुल कॉन्सेप्ट, फुल एक्सेप्शन इस अपवाद का भी है कि यहाँ पे नियोन का साइज बड़ा हो जाता है फ्लोरिन से, जबकि होना चाहिए था क्या? फ्लोरिन का ज़्यादा साइज था। अब सेकेंड पॉइंट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और उसे हिंदी मीडियम के छात्र पढ़ेंगे, आयनीकरण। क्या पढ़ेंगे? आयनीकरण संभावित, ये सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक साइज आपको समझ में आया होगा, सेकेंड पॉइंट है आयनीकरण संभावित। क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें देखिए, इसमें भी मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट को आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, आयनीकरण संभावित, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो आप तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइज क्या होता है ग्रुप में, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। ऊपर से अगर नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ता है, बाएं से दाहिनी, लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हो तो साइज घटता है। एक्सेप्शन अपवाद क्या है? मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन में एक्सेप्शन है और कहीं भी अपवाद नहीं है। तो क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जैसे ऊपर से नीचे आप जा रहे हो तो साइज बढ़ता है, मैंने आपको बताया है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण संभावित क्या होगा? घट जाएगा। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये देखिए कहीं आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम्पल में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है।
इसका अंतर आपको समझ में आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मान लीजिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अंतर हो जाता है कि अगर कह देगा कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। अब देखिए इसमें भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं पी ब्लॉक का एलिमेंट्स पढ़ रहा हूँ, पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहा हूँ, तो पी ब्लॉक का ही एग्जांपल लूँगा। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ग्रुप 15 में क्या है, नाइट्रोजन है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 में फ्लोरिन है। ये किसमें है, फर्स्ट पीरियड में है, किसमें है, फर्स्ट पीरियड में है, और यहाँ पे नियोन है। तो अब देखिए क्या होगा, आपने कहा कि साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनीकरण संभावित आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इधर से इधर क्या होता है, साइज घटता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और डायरेक्टली में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनीकरण संभावित इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक साइज के है। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर से इधर तो साइज आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आयनीकरण संभावित तो बढ़ना चाहिए ना। लेकिन यहाँ भी अपवाद है, क्या अपवाद है, देखिए जो अपवाद है उसे बहुत अच्छा से समझिए, बहुत अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही अपवाद से आपका क्वेश्चन आने वाला है। सब लोग सब याद कर लेते हैं, जो ट्रेंड में रहता है वो याद कर लेते हैं, ये अपवाद ही नहीं याद करते हैं, अपवाद से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नियोन है। तो यहाँ पे आपको जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि आपका कहना था कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो जिसका छोटा साइज उसका आयनीकरण संभावित ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये अपवाद है, क्यों अपवाद है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया 1s2 2s2 2p3, और इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p4। और ये देखिए S का मैक्सिमम 2 भरता है, P का मैक्सिमम 6 भरता है, D का मैक्सिमम 10 भरता है, F का मैक्सिमम 14 भरता है, और आधा भरता है तो आधा न कहलाता है, और पूरा भरता है तो पूरा न कहलाता है, और पूरा जब भरता है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हाफ वाला का होता है, आधा वाला का, उसके बाद अदर होता है, क्या होता है, उसके बाद अदर जितने भी एलिमेंट्स और तत्व हैं उसका स्टेबिलिटी होता है सबसे पहले, जिसका पूरा भरा रहेगा, जैसे पी का पूरा 6 भरा रहता तो सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी होता, उसके बाद 3 है तो आधा है, उसके बाद आधा का रहता है, उसके बाद ही कोई दूसरा एलिमेंट हम लेंगे। तो यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P4 है, तो सबसे पहले फुल, तो फुल तो है नहीं, आधा तो आधा है, तो स्टेबिलिटी आधा का ना हो जाएगा इससे ज़्यादा, तो इसका नहीं ज़्यादा हो जाएगा। और यही सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन फ्लोरीन और नियोन में भी है। तो सेकेंड पॉइंट आपका था आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आशा करता हूं, आई होप फ्रेंड्स, आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए पूरा लेक्चर करा रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छा से समझिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर को दो बार देखिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो तो खत्म होने वाला नहीं है, तो आप एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, लेकिन आप समझिए, मैं बहुत अच्छा से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी मीडियम के जो छात्र होंगे इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में अगर आप ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में जाते हो, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहां से कहां होता है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, लेकिन अगर आपको 12th लेवल पे कहा जाए, बोर्ड एग्जाम में आता है ग्रुप 15 से ग्रुप 18, क्यों, क्योंकि 12th के सिलेबस में ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक ही आपको पढ़ना है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14
11वीं क्लास में पढ़ना है, इसलिए ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक इलेक्ट्रॉन बंधुता का आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या होता है, इसमें कहता है कि ऊपर से नीचे आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व के बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। तो जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ, पी ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, तो पी ब्लॉक का ही ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में, ग्रुप 17 में, ग्रुप 18 में, फर्स्ट पीरियड में इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन, इसमें नियोन होता है, और सेकंड में क्या होता है, क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, नियोन होता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीजेज, मतलब ऊपर से नीचे जाते समय आवर्त सारणी में जो साइज होता है तत्व का वो बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। तो किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, मतलब फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इससे पहले मैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताया था, आयनीकरण बताया था, वो क्या होता है, तो आयनीकरण जो बताया था मैंने, आयनीकरण संभावित, वो होता है कि कोई भी तत्व, कोई भी तत्व कोई इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहा है तो उसका हम लोग प्लस चार्ज उस पर लिख देते हैं। जैसे कोई भी सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल पे प्लस चार्ज लिखा रहेगा, एक सोडियम मेटल ऐसे ही न्यूट्रल रहेगा और एक सोडियम मेटल पे माइनस चार्ज लगा रहेगा। तो आप लोग क्या समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन को आप लोग अब हमेशा बना लीजिएगा जब ऐसे पढ़ाई कीजिएगा। तो देखिए सोडियम पे ये प्लस चार्ज है, तो सोडियम पे एक प्लस चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया, क्या इसका मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना खो दिया। सोडियम का मतलब जब इस पे कोई भी प्लस और माइनस चार्ज नहीं लगे तो ये आप समझना है आपको, ये न्यूट्रल है, मतलब ये ना इलेक्ट्रॉन अपना कोई एक खोया है ना कोई इलेक्ट्रॉन एक लिया है, और ये जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे हम लोग कहते हैं, जो इससे दो पॉइंट पे बताए हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण संभावित, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पे माइनस चार्ज लग जाता है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यही अगर यहाँ पे दो माइनस रहता, या कहीं कहीं आप एल्युमिनियम में देखते होंगे 3+, ये कॉमन सभी बच्चे देखते होंगे कि एल्युमिनियम में 3+ होता है, तो यहाँ पे 3+ का मतलब क्या, इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने खर्च कर दिए, तो इसका कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण संभावित में आएगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना आएगा, लेकिन यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, तो इससे प्रीवियस जो दूसरा पॉइंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल था, आयनीकरण संभावित था, उसमें ना ये आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मैं 20 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं बनाऊंगा जिससे आपको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्लास को आप इंजॉय करते हुए पढ़िए और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा से हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, तो चैनल पे लाइक करते रहिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं गाँव में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बुद्धू बनाया जा रहा है, उन्हें छोटी लेवल का कोचिंग में पकड़ दिए हैं कोचिंग, और वहाँ पे पैसा लोग लेके उसे बुद्धू बना रहे हैं। तो आप यहाँ ऑनलाइन फ्री क्लासेस बहुत स्टैंडर्ड लेवल के अच्छा से समझ सकते हैं, और आप पूरा क्लास को एकदम जितना हम बता रहे हैं उतना आप मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा से हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।